आज रांची से हम लोगों ने वर्तमान कोविड के संक्रमण को देखते हुए उसकी कोविड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने नई व्यवस्था प्रारंभ की है। अभी दो परमंडल दो कमिश्नरी में ये कार्यक्रम हम लोगों ने पहले फेज में शुरू किया है, जिसको कोविड सर्किट का हम लोगों ने नाम दिया है, जिसके माध्यम से रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में ये अभी संचालित होंगे। आपको मालूम है कि रांची में अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन वहीं हमारे निकटवर्ती जिले में बड़ी संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन युक्त बेड खाली पड़े हुए। रांची अस्पताल अपने फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। यहां पर संक्रमण भी बड़ी तेजी से अपना हाथ पैर पसार रहा है। इसके लिए हमें ये व्यवस्था प्रारंभ करना पड़ा है। जैसे कि हम आपको बताएं कि रांची परमंडल के अंतर्गत आने वाले खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार के लिए इन सब जगह से मिलाकर अभी लगभग 2000 हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से कोल्हान परमंडल में जमशेदपुर, चायबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीज़ें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसके लिए बेड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये एक समय के बाद वो एग्जॉस्ट भी होगा। उसके लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तत्काल जो हमारे नियर बाय अस्पताल हैं, नियर बाय हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आधारभूत संरचनाओं को हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसके लिए आज के इस कोविड सर्किट के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति या परिवारजन सरकार द्वारा निर्गत टोल फ्री नंबर जो इस प्रकार है, एक नंबर जो 104 कंट्रोल रूम का है, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। और रांची के लिए एक और नंबर है 0651241144, इसमें भी आप फोन कर सकते हैं। और जमशेदपुर के लिए 0657244011 में फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है 8987510050 पर भी कॉल कर सकते हैं, और आपको तत्काल बताया जाएगा कि बेड की उपलब्धता कहां पर है। अगर आपके पास जो भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर उनके पास अपना संसाधन है, तो उन संसाधनों
के माध्यम से उस जगह पर जा करके ऑक्सीजन युक्त बेड प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनके पास अपने संसाधन पहुंचने का नहीं है तो हमारे पास मोबाइल वैन की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है दोनों परमंडल में, जहां हमारे ये मोबाइल वैन उनके घर में जा करके उस मरीज को उठाकर निश्चित जगह पर जहां बेड अवेलेबल है नियर उसके निकटतम क्षेत्र में वहां उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और मुझे लगता है इससे बड़े पैमाने पर सभी संक्रमित व्यक्ति को सुचारू रूप से ऑक्सीजन भी मिलेगा और उनके लिए जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं जो हम लोगों ने उपलब्ध करा रखे हैं, और चूंकि आज के इस संक्रमण में लोगों का भय मन में भय अधिक कर रहा है, लोग पैनिक में बहुत जल्दी आ रहे हैं, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और प्रशासन और हमारे कोरोना वॉरियर जितने भी डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो सभी लोग जी जान लगा करके आपके साथ खड़े हैं और दवाइयों की उपलब्धता की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की भी कमी नहीं है। बस कमी है तो हम सब लोगों का पेशेंस का कमी आज के दिन में दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से पूरी तरीके से अफरा तफरी का लोग माहौल को आगे बढ़ावा देते हैं। अखिल भारत महिला बौद्ध मान्य संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष लामा डॉक्टर झक्सुप्ला की उपस्थिति में ये पूनिया पूजा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस पूजा से विशेष मृतवासी को परलोक में स्थान मिले, विशेष करके उनके आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, और पुनः जिस तरह से स्वर्गीय आचार्य लामा वांगचुक जी ने मानव सेवा की थी, धर्म की सेवा की थी, गुरु की सेवा की थी और संघ की सेवा की थी, उसी के अनुरूप आज हम सभी उनके निधन से शोकित है और उनके आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनकी परिवार को भी धैर्य शक्ति प्राप्त हो, विशेष उनकी इस दुनिया में इस धरती में पुनर्जन्म हो और ताकि पुनः वो फिर इस धरती में मानव सेवा में लग सके, गुरु सेवा में लग सके और धर्म के सेवा में लग सके। उन्होंने अपने जीवित काल में विशेष करके रोगियों को ये बात इस देश के बड़े बड़े अस्पतालों में ले जा करके अपनी शारीरिक सेवा दी थी। हमारी चिंताएं हमें पूरी संवेदनाएं हैं आज के आपके लिए, लेकिन आप लोगों भी हमें सहयोग करना पड़ेगा और हर हाल हर वक्त आज सरकार आपके लिए तत्पर खड़ी है और हम लोग मिलजुल कर ही संक्रमण के साथ संयमता के साथ संक्रमण के साथ किसी भी संक्रमित व्यक्ति को कोविड अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था होगी, जहां ऑक्सीजन बेड तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी, वो सभी निःशुल्क सेवा दी जाएगी। धन्यवाद। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।